नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम मंकी एंड पोल रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऐसे सवाल जो रेलिंग के अंतर्गत आते हैं और इनमें बंदर और खंबे का जिक्र होता है। सवाल किस प्रकार के होते हैं? आपसे कहा जाता है कि भाई इतने मीटर ऊंचा एक खंबा दे रखा है और उस खंबे पर एक बंदर चढ़ता है, और वो चढ़ता किस प्रकार है? यदि आपको दे देगा कि पहले मिनट में तो इतना चढ़ता है और दूसरे मिनट में इतना फिसल जाता है, ठीक है, तो बताइए इस हिसाब से यदि बंदर खंभे पर चढ़ता रहा तो कितने समय में, कितने मिनट में वो खंभे के शिखर पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार के सवाल आपको कंपिटेटिव एग्जाम में देखने के लिए काफी मिलते हैं। अब होता क्या है कि ये सवाल जो होते हैं बेसिकली बहुत आसान होते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों को त्रुटिवश स्टूडेंट कंपिटेटिव एग्जाम में गलत करके आता है। और जब ऐसे सवाल आप गलत कर देते हैं जो सभी स्टूडेंट यानी कि जो ज्यादातर लोग उसको हल कर रहे होते हैं, लेकिन आप वहां पे गलत करके आते हो, तो उस अवस्था में कंपिटेटिव एग्जाम को निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस जो टॉपिक है इसको एक प्रॉपर इस ढंग से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में गलती होने की गुंजाइश रहे ही ना। देखते रहिए आप इस सवाल को, देखिए ध्यान से। एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है, पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है, यानी कि पहले मिनट में जो प्रयास करता है तो प्रथम मिनट में 15 मिनट चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है, दूसरे मिनट में 12 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस दर से यानी कि इस हिसाब से वह कितनी देर में खंभे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। इस सवाल को समझिए। देखो, जैसे मान लिया जाए ये खंभा है, ये ए बी नाम दे दिया मैंने इसको, और इसकी जो ऊंचाई है सवाल में दे रखी है हमें 45 मीटर, ठीक है। अब इस प्रकार के सवालों को करने के मैं आपको एक मेथड बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊंचाई से जितना ये बंदर जो है पहले मिनट में चढ़ता है उतनी दूरी यहां पे अलग से आप छाट लीजिए। ये 15 मिनट, 15 मीटर मैंने मान लिया। ये यहां से यहां तक क्या करना है आपको, खंबे के शीर्ष पर ऊंचाई की ओर जितना बंदर पहले मिनट में चढ़ता है उतनी दूरी आप सेपरेट अलग कर लीजिए, और बाकी जो दूरी बच गई उसको अलग लिख लीजिए। बाकी दूरी कितनी बच गई, 15 तो ये और 30 बच गई है। कितनी बच गई, 30 मीटर। आप जोड़ोगे तो देखोगे कि 15 और 30 कितने हो गए, 45 मीटर। ऐसा मैंने क्यों किया, आप अंदाजा लगाइए। यदि ये बंदर 30 मीटर पे चढ़ जाता है, ठीक है, जिस कंडीशन में बंदर 30 मीटर खंभे पर चढ़ जाता है, तो अगले मिनट में तो 15 मीटर चढ़ ही जाएगा, तो फिसलने का तो कारण ही नहीं बनता, ठीक है। दोबारा बता देता हूं मैं, ये 15 मीटर की दूरी मैंने क्यों छुड़वाई है आपसे, क्योंकि जिस कंडीशन में बंदर यहां तक पहुंच जाएगा, 30 मीटर तक पहुंच जाएगा, तो अगले मिनट जब वो चढ़ने का प्रयास करेगा तो 15 मीटर चढ़ जाएगा वो, उसे दूसरे मिनट में फिसलने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी शीर्ष पर चढ़ चुका होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल को हल करने से पहले, जो खंबे वाले सवाल है, तो आपको क्या करना है, शीर्ष की ओर ऊपर से जो पहले मिनट में बंदर जितना चढ़ता है उतनी दूरी आप यहाँ पे अलग से सेपरेट कर लीजिए, और जो दूरी बच गई उसको नीचे लिख लो। जैसे ये 45 मीटर खंबा है तो 15 मीटर चढ़ता है वो, पहले मिनट में अलग जगह छोड़ दिया हमने और 30 मीटर नीचे बच गया। अब क्या करना है, देखिए बंदर किस हिसाब से चढ़ता है। जो फर्स्ट मिनट की मैं बात करूं तो फर्स्ट मिनट में बंदर चढ़ता है 12 मीटर, सॉरी 15 मीटर, कितना 15 मीटर चढ़ता है, और सेकंड मिनट में ये जो बंदर है 12 मीटर फिसलता है नीचे की ओर और फर्स्ट मिनट में चढ़ता है। तो 2 मिनट की हम निकालें कहानी इसकी बंदर की, तो 2 मिनट में देखो 12 मिनट तो चढ़ा, सॉरी 15 मीटर तो चढ़ा और 12 मीटर फिसला, तो यानी कि कुल रिजल्ट निकाले इसका तो 3 मीटर ये चढ़ पाया, क्यों, 15 तो चढ़ा और 12 फिसल गया, तो अंतर कितने का, 3 का। तो ये 2 मिनट में बंदर जो है 3 मीटर खंभा चढ़ पाया, ये इसका रिजल्ट निकला।
अब हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है 30 मीटर की पहले। तो आप देख सकते हो ये 30 मीटर की जो दूरी है ये 3 मीटर की 10 गुना है। यदि मैं 3 मीटर को 10 से गुणा कर दूं तो 30 मीटर आ जाएगा। तो समय निकालने के लिए, 30 मीटर चढ़ाई का समय निकालने के लिए इस समय को भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी 10 गुना है तो समय भी कितना गुणा होगा, 10 गुणा होगा। तो 30 मीटर चढ़ने के लिए 2 को 10 से गुणा कर दो तो इसे लगेगा कितना मिनट, 20 मिनट। अब अगली जो दूरी बच गई 15 मिनट, उसको कितना टाइम लगता है, उसको 1 मिनट। तो इसमें 1 मिनट और जोड़ दीजिए तो टोटल खंभे के जो शीर्ष पर चढ़ने में जो समय लगा वो कितना हो गया, 21 मिनट। समझ में आया आपको? और अगला उदाहरण जब मैं आपको कराऊंगा तो और बेटर समझ में आएगा। देखते हैं अगला सवाल कैसे करते हैं। एक 50 मीटर ऊंचा खंभा है और उस पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में, जो प्रथम जो मिनट है उसमें 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी कि जो बंदर है 50 मीटर ऊपर खंभे पर जब चढ़ने का प्रयास करता है तो प्रथम मिनट है उसमें 5 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि इसी क्रम को वो जारी रखे तो खंभे के शिखर पर बंदर को पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमारा सवाल है। देखो, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही करना है। मान लिया जाए ये खंभा है, उसको नाम हमने दे दिया ए बी। इसकी ऊंचाई यहां पर इस सवाल में दे रखी है 50 मीटर। 50 मीटर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो बंदर है पहले मिनट में जितना चढ़ता है उतनी दूरी यहाँ पे रिजर्व कर लो, एक अलग से लिख लो इस दूरी को। तो पहले मिनट में चढ़ता है 5 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 5 मीटर अलग से लिख ली और ये तो हो गई 5 मीटर। और ये जो शेष दूरी बच गई यहाँ से यहाँ तक कितनी बच गई बताओ, 45 मीटर, इसको अलग से लिख लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे हिसाब लगाते हैं कि किस हिसाब से बंदर चढ़ता है। तो मैं फर्स्ट मिनट की बात करूं तो फर्स्ट मिनट में जो बंदर की प्रोग्रेस है वो 5 मीटर ऊपर की ओर चढ़ जाता है ये, ठीक है। लेकिन जब सेकंड मिनट की बात करें तो ये बंदर जो है 2 मीटर नीचे की ओर फिसल जाता है। यानी कि एग्रीगेट निकालें 2 मिनट में, 2 मिनट का रिजल्ट निकालें तो 2 मिनट में क्या हुआ, पहले मिनट में तो 5 मीटर चढ़ गया और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल गया। तो यानी कि बंदर टोटल 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ पाया। कितना चढ़ पाया, 3 मीटर। अब हमको क्या करना है, सर्वप्रथम इस दूरी का हिसाब लगाना है 45 मीटर का। आप देख सकते हो 45 जो मीटर है वो 3 मीटर का 15 गुना है। कितना गुना है, 15 गुना। तो 45 मीटर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा, इसको भी किससे गुणा कर दो, 15 से। तो 2 गुणा 15 यानी कि बंदर को मिनट लगी कितनी, 30 मिनट लगी। लेकिन 30 मिनट कहां तक लगी, 45 मीटर तक पहुंचने के लिए। अब यहां तक बंदर पहुंच गया तो अगली जो 5 मीटर की दूरी है उसे तो 1 मिनट में तय कर लेगा, ठीक है, क्योंकि दोबारा उसे फिसलने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो ऊपर चढ़ चुका होगा। तो 5 मीटर की दूरी बची वो 1 मिनट में चढ़ जाएगा, तो इसमें 1 मिनट आप जोड़ दो तो टोटल जो मिनट लगी बंदर को वो लगी 31 मिनट। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपको सारा का सारा मेथड क्लियर हो जाएगा और किसी भी प्रकार का सवाल आप एग्जाम में कर पाओगे। इस सवाल से थोड़ा सा हटके सवाल है, वो जरूर देखिएगा। इस सवाल को देखिए आप, ये थोड़ा सा पिछले दोनों सवालों से अलग है। एक बंदर पहले मिनट में, प्रथम मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। इस तरह 90 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमारा सवाल है। जैसा मैंने आपको बताया वैसे वैसे करते जाओ। मान लीजिए 90 मीटर हाइट वाला एक खंभा है ए बी, 90 मीटर इसका जो इसकी हाइट है मैंने यहाँ पे लिख लिया 90 मीटर। सवाल कह रहा है कि ये पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, तो मैंने आपको बताया कि जो पहले मिनट में जितना भी चढ़ता है बंदर उस दूरी को आप ऊंचाई की ओर शिखर से रिजर्व कर लो, अलग से रख लो इसको। तो मैंने यहां पे लिख लिया 10 मीटर।
यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब ये कितनी बच गई, 90 में से 10 घटा दो, 80 मीटर बच गई। ठीक है, इतना करने के बाद अब बंदर के आप चढ़ने का हिसाब लगाओ। देखो पहले मिनट की मैं बात करूं तो फर्स्ट मिनट में बंदर जो चढ़ता है वो चढ़ता है 10 मीटर, चढ़ गया ऊपर। ठीक है, और जो सेकंड मिनट में बंदर जो है वो फिसल जाता है, कितना फिसल जाता है, 4 मीटर, 4 मीटर नीचे की ओर फिसल जाता है। यानी कि हम पूरे 2 मिनटों की कहानी निकालें, 2 मिनट का रिजल्ट निकालें, तो कितने मीटर चढ़ा, 6 मीटर। बताओ चढ़ा नहीं चढ़ा 6 मीटर, देख लो आप। 10 मीटर ऊपर चढ़ा, 4 मीटर नीचे फिसल गया, तो 2 मिनट में कितना चढ़ गया, 6 मीटर। अब इस 6 मीटर के हिसाब से हमको ये 80 मीटर दूरी तय करनी है पहले। अब 6 को हम किससे गुणा करें कि 80 आ जाए, तो 6 को आप किसी से गुणा करो, 80 नहीं आएगा पूरा पूरा। तो आपको क्या करना है, h संख्या से गुणा करो 6 मीटर को कि 80 से ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो 80 से ज्यादा आप देखोगे इसको गुणा कर दो 14 से, तो 14 6 की 84 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर आ जाएगा, 84 मीटर। यानी कि यदि हम 6 की 14 गुणा दूरी निकालें तो 84 मीटर आता है। ठीक है भाई, 6 को किससे गुणा करें कि पूरा पूरा 80 आ जाए, तो 80 तो आएगा नहीं, उससे ऊपर वाला लेना है आपको, ध्यान रखना। तो 6 को मैंने 14 गुणा किया, कितना आया, 84 आया। तो अब टाइम को भी इसको भी किससे गुणा कर दो, 14 से, तो ये आ गया 28 मिनट। कितना आ गया, 28 मिनट। कितनी दूरी तय करी, 84, हमें निकालनी कितनी थी, 80, मतलब 4 ज्यादा हो गई। तो ऊपर जो 10 बच रही थी उसमें से आप 4 घटा दो, क्योंकि हम 4 ज्यादा चढ़ चुके 28 मिनट में, तो कितनी बच गई यहां पे, 6। तो समय कैसे निकालोगे, देखो 28 मिनट, दूरी कितनी बच गई, 6 है ना, और यहां पे ये कितनी थी, 10, तो 10, तो ये आ गया आपका इतना मिनट में चढ़ेगा। रिपीट कर देता हूं मैं आपको, 10 मिनट हमने यहां पे रिजल्ट रख लिया, 80 मीटर ये बच गई। तो हमने रिजल्ट निकाला तो 2 मिनट में बंदा चढ़ रहा था 6 मीटर। अब हमको 6 को किससे गुणा करें कि 80 आ जाए, तो 80 तो आएगा नहीं, तो 80 से जस्ट बड़ी संख्या आ जाए ऐसे गुणा कर दो। तो 6 को गुणा किया मैंने 14 से, ठीक है, तो 14 गुणा 6 84 हो गया। तो इसी प्रकार टाइम को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 14 से, क्योंकि दूरी भी कितनी है, 14 गुणा है, तो 28 मिनट आया। कितनी दूरी तय करने के लिए, 84 मीटर दूरी तय करने के लिए, लेकिन ये ऊंचाई कितनी है, 80, इससे 4 मीटर ज्यादा है, तो 84 मीटर दूरी तय करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी बच रही थी, 10, और बच रही थी, लेकिन 84 के हिसाब से कितनी बची, 6, तो 6 बटे ये बड़ी वाली दूरी को हम लेकर देते हैं 10। ठीक है, इतने मिनट आई। आगे आप इसको हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, 28 इसको काट लो, 2 3 6 और 2 5 10, 28 सही 3/5 मिनट, और इसको हल कर लो, ये तो 28 पूरी पूरी मिनट है, इसको भी आप सेकंड में हल कर लो, इसको दो 3/5 को, तो 3/5 सेकंड में निकालोगे तो किससे गुणा करोगे इसको, 60 को, 5 एकम 5 और 12 5 60, तो 12 3 36 सेकंड में बदल गई है। तो 28 मिनट और 36 सेकंड लगेंगे बंदर को खंभे के शिखर पर पहुंचने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप हल करोगे खंभे और बंदर से संबंधित सवालों को हल करने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए नए आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको हम इसी प्रकार नए नए लेटेस्ट वीडियो और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव नए नए मेथड्स के द्वारा आपको वीडियो एक्सप्लेन करते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों।